गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज अष्टमी है तो आज तो लगभग सभी का व्रत होगा और मेरा भी है। और अभी शाम के बजे हैं 5:30 और मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी व्रत वाली। तो ये है साबूदाना जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और ये मीडियम साइज वाला है, नहीं सॉरी छोटा वाला है। एक सबसे छोटा होता है, एक मीडियम साइज का होता है, एक सबसे बड़ा बड़ा होता है जिसको रामदाना भी बोलते हैं, जिसकी नमकीन बनाते हैं। तो ये है सबसे छोटा वाला जिसको मैंने भिगोया हुआ है। तो चलिए अब खीर बनाते हैं इसकी। तो ये है दूध जिसको हमने गर्म होने रख दिया है और ये 1/2 लीटर से ज्यादा दूध है, यानी कि 750 ग्राम के समथिंग दूध है। इसमें पहले हम बॉयल आने देंगे और आपको जैसे साबूदाना की कितनी मात्रा होना चाहिए, दूध की कितनी मात्रा होना चाहिए, तो जैसे चावल की बनाते हैं ना, सेम उसी माप से आप बना लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ठीक है, ये दूध मैंने गर्म होने रख दिया है और मैंने चावल की कई बार आपके साथ में शेयर की है माप के साथ, मेजरमेंट के साथ। दूध में उबाल आ गया है तो अब हम जो साबूदाना भिगो के रखा था उसको डाल देंगे। ढक देंगे, पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे जिससे निकले नहीं दूध, और स्लो फ्लेम पे गैस को कर देंगे। ये खीर बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये देखिए जो साबूदाना था हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है अच्छे से, समझिए हमारी खीर जो है बन चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। तो चीनी जैसी आपको पसंद हो, ज्यादा कम आप डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 5 चम्मच चीनी डाल दी है और ये है 4 इलायची जिनको मैंने कूट रखा है, उसको मैं डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हमारी खीर जो है रेडी हो चुकी है। ये देखिए अभी ये थोड़ा सा जब ठंडा होगी ना तो ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको हटा लेती हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ बादाम है और कुछ है काजू, तो मैं इनको फ्राई करके ऐड करूंगी। आप चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं, चिरौंजी खीर में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। और ये खीर 10 मिनट में बनके रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी भी बहुत होती है। तो आप जब भी व्रत हो इस खीर को जरूर ट्राई करें। तो हमारी खीर बनके रेडी हो चुकी है और ये ठंडी होके काफी थिक हो जाएगी, तो उसी हिसाब से आपको बनाना, यानी कि मतलब चावल वाला मेजरमेंट आप यूज करिए, आपकी खीर एकदम से परफेक्ट बनेगी। ये देखिए अभी आपको ये पतली लग रही है, अभी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगी जैसे थोड़ी सी ठंडी होगी। ये देखिए